नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं अबिन 24 न्यूज। दोस्तों, गांव गुल्लरपुर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं स्टीश फफड़ाना स्नेक मैन एक्सपर्ट जिस तरीके से पहुंचे हुए हैं। यहां भी इन्हें जानकारी मिलती है कि एक सांप जो है वो यहीं पर, जहां पर आप देख सकते हैं ये किस तरीके से पशुओं का तबेला है पीछे की ओर घर के, और वहीं पर ही एक कमरे में सांप जो है वो देखा जा गया है। और फिलहाल उसे पकड़ने के लिए स्टीश मैन जो है वो पहुंचे हुए हैं, स्टीश फफड़ाना जो है वो पहुंचे हुए हैं। और अभी फिलहाल देख सकते हैं इसी जगह पर बता रहे हैं कि एक सांप जो है वो आ जाता है, जिसे फिलहाल आप देख सकते हैं सीढ़ियों में चढ़कर ऊपर की जो स्लैब है वहां पर उस सांप को देखा गया है। और देख सकते हैं कि फिलहाल कुछ सामान को वो हटाते हुए फिलहाल जरूर नजर आ रहे हैं। और लगातार इस सावन के महीने में भी पहले कितने ज्यादा सांप उन्होंने पकड़े हैं ये हमने आपको दिखाया, और अभी फिर से एक सांप पकड़ने के लिए पहुंचे हैं। और फिलहाल देख सकते हैं जो सांप है वो पीछे सामान में कहीं ना कहीं जो है फिलहाल घुसा हुआ है, जिसे फिलहाल वो एक एक करके हाथों में ग्लव्स डालकर जो है पूरी एहतियात के साथ जो है वो देखने का प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं। और जो स्टीश फफड़ाना है उनसे बात करेंगे। सर, क्या कुछ बताएंगे, जानकारी तो आपको मिली थी यहाँ पर, और किस तरह का सांप है जो आपको फिलहाल बताया गया है? जी, कौन सा सांप यहाँ पर देखा गया है, क्या आपने देखा है आकर? ये जी बड़ा सांप है जी। और मैं करनाल सांप पकड़ रहा था जब हाईवे के पास ही जी, तो तब मेरे पास कॉल गई थी, पहला सांप की डामोड़ से पकड़ा था, दूसरा वहां से CHDCT के पास ही जी। और कोई फोटो आई थी आपको इसकी? नहीं, फोटो नहीं आई, इन्होंने 15-20 दिन पहले भी मेरे पास कॉल की थी। अच्छा, तब पता नहीं कहाँ घुसा था वो, तो उनको पता है। फिर मैं उस टाइम पानीपत सांप पकड़ने लग रहा था, फिर एक घंटे बाद इनकी कॉल आई, भाई आप आए नहीं, महाजी हम चल पड़े। बड़ा है अभी ये सांप? हाँ, बड़ा सांप है। तो सांप और बता रहे हैं कि सांप बड़ा है। और सर, कौन सी प्रजाति हो सकती है ये, बताया कुछ अभी इन्होंने? सही दोस्त आई तो फिलहाल, और देख सकते हैं कि जो सांप को फिलहाल ढूंढने के लिए बता रहे हैं, बड़ा सांप है जो उन्हें जानकारी मिली, एक बड़े सांप को फिलहाल उन्होंने पकड़ने के लिए पहुंचे हुए हैं। और तो यहां पर सभी लोगों से हम ये भी कहना चाहेंगे कि घर में ऐसा सामान जो पुराना हो या किसी तरीके से रखा गया हो, ऐसी जगहों पर ये जो सांप होते हैं जरूर आ जाते हैं। और ऐसा ही स्टोर है, ये स्टोर बना हुआ है जहाँ पर फिलहाल आप देख रहे हैं जो शीश फफड़ाना, उसे देखने का प्रयास जरूर करते हुए नजर आ रहे हैं सांप को। और इसी जगह पर जो ये स्लैब बनी हुई है यहीं पर ये सांप फिलहाल पूरे का पूरा सामान को नीचे उतार दिया गया, और देख रहे हैं एक एक सामान को देख रहे हैं कि शायद एक एक चीज को नीचे की ओर फेंक रहे हैं, देख रहे हैं जरूर किया जा रहा है, और जल्द से जल्द जो है जरूर मिल जाएगा, जैसे ही मिलेगा आपको तस्वीरें दिखाऊंगी। आपसे निवेदन है वीडियो को शेयर करें, और लगातार इस तरह के जो वीडियोस हैं हम आपको दिखाते रहते हैं, जिसमें स्नेक मैन स्टीश फफड़ाना जो है वो लगातार ऐसे सांपों को पकड़ने का प्रयास जो है करते रहते हैं। और देख सकते हैं सारा सामान जो है फिलहाल नीचे की ओर वो एक बार उतार रहे हैं, पीछे स्टोर में काफी सारा सामान है जो पड़ा हुआ था, और उसे एक एक करके फिलहाल निकालते हुए जरूर नजर आ रहे हैं। तो अब जो है इस बड़े पाइप के अंदर भी, और बता रहे हैं कि सांप जो है उन्हें दिखा है इसी जगह पर, अभी अभी उन्होंने सांप को देखा है और देख लिया गया है फिलहाल। और ये बड़ा पाइप देख रहे हैं कि पाइप या इस तरीके का सामान जो एक एक सामान को फिलहाल आप देख रहे हैं कि किस तरीके से एक एक सामान को जो है नीचे फिलहाल नीचे उतारते हुए जरूर नजर आ रहे हैं। और किस तरफ सांप है ये भी हम जानने का प्रयास जरूर करेंगे। श्री जी, किस तरफ सांप है, कहाँ देख रहे हैं आप अभी? यहीं पर ही है, ऊपर ही है, ऊपर की ओर जो सांप है वो यहीं पर देख सकते हैं उसे फिलहाल। काफी बड़ा है सतीश जी, और अभी फिलहाल आप देख सकते हैं कि सांप जो है उसे फिलहाल वो उतारा जाएगा, और आपको वो देख सकते हैं काफी बड़ा सांप है, काफी बड़ा सांप है, ये देख लीजिए तस्वीरों में, मैं आपको दिखाने की कोशिश जो है फिलहाल कर रहे हैं, ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं सांप उनके हाथ में है, आपको जरूर दिखाऊंगी, ये देख सकते हैं तस्वीरों में जो सांप है वो किस तरीके से उनके हाथ में, काफी बड़ा सांप जो है, काफी बड़ा सांप है, काफी मोटा बड़ा सांप है, कितनी उसकी उम्र है, कितना पुराना सांप है ये भी हम जानने का प्रयास, ये देख सकते हैं, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए काफी काफी लंबा सांप है, और ये देख सकते हैं कि सांप को फिलहाल उतारते हुए नजर आ रहे हैं, ये देखिए।
और नजदीक से तस्वीर में आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए कौन सा सांप है, कौन सी प्रजाति का है, इसे जरूर मैं सतीश जी बताएंगे और किस तरीके से खतरनाक हो सकता है ये भी बताएंगे। काबू कर लिया गया, 5 मिनट का अंतराल हुए नजर आ रहे हैं और 5 मिनट का अंतराल लगता है सतीश जी काफी काबू जो सर, कौन सा सांप है, कौन सी प्रजाति है ये मैं नजदीक से आपको जरूर, घोड़ा पछाड़ सांप, जी हाँ घोड़ा पछाड़, ये तो काफी फुर्तीला होता है, फुर्तीला होता है। और फिलहाल देख सकते हैं कितनी उम्र होगी सांप की, कितनी उम्र होगी, 8-9 साल पुराना, तो 8-9 साल उम्र है इस सांप की, 8-9 साल, और देख सकते हैं कि किस तरीके से ये सांप उनकी पैरों में किस तरीके से जा रहा है, ये पैरों में देख लीजिए जो सतीश फफड़ाना के, और फिलहाल ये देख सकते हैं तस्वीरों में कैसे सांप जो है वो काफी फुर्तीला सांप जो है ये होता है, और ये 8-9 साल पुराना, 8-9 साल पुराना ये सांप बताया जा रहा है। तो आप सभी से निवेदन है वीडियो को शेयर करें और कभी भी घर में कोई ऐसा सांप, पहले भी फोन किया था, अच्छा जी यही था पूरे घर में पहले भी सांप को देखा गया है, पहले इका के अंदर छुप गया, तो आप देख सकते हैं कि जो सांप है फिलहाल उसे, कितने महीनों से फोन आ रहा है आपको सर इस सांप का नहीं, इस 10 दिन पहले भी इन्होंने फोन किया था, अच्छा यही छुप जाता था बाबूजी कहाँ पे, तो ये बढ़ जाता इतो, मतलब कहीं कहीं घर में यही घूमता था, यहीं से निकलता था वहाँ चला जाता था और वापिस यही आ जाता था, बस कभी यहाँ कभी वहाँ, ऐसे घर में घूमता रहा, मतलब आपको यही वाला सांप, यही वाला है, यही वाला, यही वाला है, मतलब आपको दिखाई नहीं देता था, छुप जाता था, मेरे को नहीं, मैडम ने दिखा कर दिया, अच्छा। मैंने दिखता ही नहीं सांप कभी, तो आप देखिए नहीं, देख सकते हैं कि सांप जो है वो आज तो ताऊ की ताई की लड़ाई बाजी पाई, मत आओ ना रोको, भाई लड़ाई इस बात पर हो रही थी, देखो जी इनकी या ताई तो कुआर खोल दे और ताऊ का बंद रखा अगर सांप पड़े, ताई का भाई अंदरा वाला गण दो और ताऊ नु का ना सांप पड़े, तो इनकी लड़ाई बाजी पाई, मानो करो था हम लड़ो ना, पहला सांप पकड़वा लो, जी बिल्कुल, सांप का नाम अपने आप में एक बहुत बड़ा है, एक बार घर में देख लिया जाए काफी दहशत हो जाती है, ताई ना पूछो ये तो सांप तो पकड़ा गया जी, अब कैसा लग रहा है, बढ़िया लग रहा, अभी मैं ना खानदा जा रहा कहीं, डर तो लग रहा होगा, और डर तो लग रहा, मैंने भीतर बगलू थी ना देख दी, तो क्या लग रहा है दरवाजा बंद रखना चाहिए, दरवाजा बंद करके, तो अभी फिलहाल आपको बता दें दरवाजा जो है वो खुला रहता था और इसी बात को लेकर ही घर में बात चल रही थी, लेकिन सांप ये देख लीजिए फिलहाल इस पोटली में इसे बंद कर रहे हैं, और सभी लोगों से हम निवेदन करेंगे वीडियो को शेयर करें और सभी साथियों से अपील है इस वीडियो को अपना सहयोग अवश्य दें, 93 क्या कहना चाहेंगे अगर घर में इस तरीके से सांप को देखा जाए, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना, सबसे पहले तो ये करना चाहिए जी, हमने हर एक तरीके पॉइंट टू पॉइंट बता रखे हैं लोगों को अपने यूट्यूब चैनल पे, जो यूट्यूब चैनल हमारा उसका नाम है स्नेक मैन हरियाणा, यूट्यूब पे जाना पड़ेगा अपने, यूट्यूब निकाल लो स्नेक मैन हरियाणा लिखो, आपके घर में सांप आ ही नहीं सकता, ऐसे तरीके बता रखे हैं, जी जी। दूसरा अगर सांप घर में आ भी जावे ना तो उसको किस तरह से ढूंढना है वो सारे तरीके बता रखे हैं, तो हमने नंबर बता दीजिए, ये कहे थे ताऊ को छक्के के नीचे है, हम आके खड़े हुए, मैं बोला ताऊ देख सांप तो तेरा और है ऊपर, बिल्कुल बिल्कुल, हम अपना फोन नंबर बता दीजिए, किसी को भी सांप दिखे तो आपसे संपर्क साध सकते हैं, हाँ जी हमारा मोबाइल नंबर है 92-55-130-130 और हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है स्नेक मैन हरियाणा, इधर तो हम सेवा 92-55-130-130 नंबर, तो फिलहाल सांप को पकड़ लिया गया है, सांप कैसा भी हो खतरनाक हो सकता है, हमें जानकारी हो या ना हो उसे छेड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि ये काम सिर्फ स्नेक एक्सपर्ट पर ही छोड़ना चाहिए, और कोशिश करें सांप को अगर मारे ना, कोशिश करें उसे पकड़ कर जो स्नेक मैन है उनके हवाले कर दिया जाए तो बेहतर है, अन्यथा स्नेक मैन को ही अगर बुलाया जाए तो वो ज़्यादा अच्छा होगा, तो आपसे अपील करेंगे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें और फिर से जुड़ेंगे IB24 के ऊपर, तब तक के लिए जय हिंद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।